भारत बदल रहा है, नित नए आयाम छू रहा है। इस बदलते परिवेश में भारत विश्व महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कई योजनाओं को आकार दिया, जिनको आधार मानकर वस्त्र मंत्रालय ने गत 2 वर्षों के अंतर्गत अपने कई प्रयास, योजनाओं और पहल के माध्यमों से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई शुरुआत दी है। हैंडलूम सेक्टर की समृद्ध विरासत को और नई ऊंचाइयां देने के लिए सरकार ने 7 अगस्त 2015 में इंडिया हैंडलूम ब्रांड की स्थापना की गई। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे। भारत में गरीबी से मुक्ति के लिए हैंडलूम एक हथियार बन सकता है। विगत 2 वर्षों में भारत में प्रौद्योगिकी के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। वस्त्र क्षेत्र के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम में नए संशोधन किए हैं। उक्त स्कीम के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का निवेश वस्त्र उद्योग में होने की आशा है एवं 31.5 लाख रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना है। मेक इन इंडिया के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में कपड़ा निर्माण केंद्र की महत्वाकांक्षा योजना की नींव रखी गई। We have decided that one modern apparel garment manufacturing center in each northeast state. हम सब की रुचि है कि हम कैसे पूर्वोत्तर राज्यों को मजबूत कर सकें, वहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधार कर सके और कैसे देश के साथ इसको सही ढंग से जोड़ने की दिशा में ले जाने का काम कर सके। इस योजना में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में अपैरल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाए गए, जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया का आगाज है। ये सेंटर्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देने के साथ साथ लगभग 10,000 नए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। मेक इन इंडिया के अंतर्गत टेक्सटाइल सेक्टर में संरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा 2 वर्षों में 24 नए टेक्सटाइल पार्क्स को मंजूरी दी गई है। हमारा वस्त्र संसाधन संबंधित क्षेत्र, जो पहले असंगठित एवं अनियोजित थे, जिसकी मध्यम एवं लघु इकाइयां पर्याप्त पर्यावरण मानकों को पूरा न कर पाने के कारण बंद हो जा रही थी, वस्त्र मंत्रालय ने तुरंत इनका संज्ञान लिया और IPDS के तहत 6 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स सैंक्शन किए गए। नए प्रोसेसिंग केंद्र हमारे एनवायरनमेंट के प्रति प्रतिबद्धता और जीरो डिफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट के प्रति कमिटमेंट को दर्शाते हैं। कौशल इंडिया मेक इन इंडिया की आधारशिला है। हमने 2 सालों में 4.25 लाख लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान किया है, जिसमें 50% से भी अधिक महिलाएं हैं। आज दुनिया को स्किल वर्कफोर्स की जरूरत है, आज भारत को भी स्किल वर्कफोर्स की जरूरत है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वस्त्र उद्योग की इसमें सीधी भागीदारी है, जिससे न कि सिर्फ कुशल कारीगर मिलते हैं, बल्कि वहीं दूसरी ओर ये योजना बेरोजगारी को दूर करके सबका साथ सबका विकास के स्वप्न को साकार करती है। कालीन बुनाई और हस्तशिल्प जैसे स्वदेशी कौशल के विकास की ओर पहली बार नजर डाली गई है। इन सेक्टर्स के डेवलपमेंट से निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। गांव-गांव में बुनकरों और हस्तशिल्पकारों के लिए नए मशीनों और बेहतर परिस्थिति का बंदोबस्त किया गया है। जहां ग्लोबल रिसेशन के कारण अन्य क्षेत्रों के एक्सपोर्ट में गिरावट आई, वहीं टेक्सटाइल्स ने न केवल अपनी स्थिति बनाए रखी बल्कि हैंडीक्राफ्ट्स और अन्य सेक्टर्स में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की। रेशम के उत्पादन और गुणवत्ता में काफी वृद्धि हुई है, जिससे रेशम के आयात में
काम आने वाली बहुमूल्य विदेशी मुद्रा में बचत आई है। पावर लूम्स का आधुनिकीकरण किया गया है। पिछले 16 महीनों में 55,000 लूम्स का उन्नतीकरण किया गया है। कपास क्षेत्र में भी आया है बदलाव। सहायता प्रदान करने के लिए सभी 11 कपास उत्पादक राज्यों में सुनियोजित और अब तक का सबसे बड़ा न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाया गया है। पटसन क्षेत्र में भी आए हैं नए विविधीकरण और सुधार। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का भी हुआ है पुनरुत्थान। एनटीसी बीआईएफआर के क्षेत्र अधिकार से बाहर हुआ। एनटीसी ने पहली बार 1602.53 करोड़ का पॉजिटिव नेटवर्थ दर्ज किया। फैशन प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण और विस्तार के लिए कदम बढ़ाया जा रहा है। श्रीनगर एवं वाराणसी में निफ्ट के नए परिसर स्वीकृत किए गए हैं। वुल क्षेत्र भी उन्नति की ओर अग्रसर है। पिछले 2 वर्षों में कई उपलब्धि प्राप्त की। मैं अभी लेह गया था और वहां पर एक 30 करोड़ की लागत से डिहाइड्रेशन सेंटर की घोषणा करके आया हूँ। पिछले 2 वर्षों में वस्त्र क्षेत्र का विकास सराहनीय रहा है। 6500 करोड़ का व्यय किया गया है इसके उन्नयन और संवर्धन के लिए और 5,00,000 अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया गया है। वस्त्र मंत्रालय ने पिछले 2 वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुआ है और देश में होने वाले प्रत्येक विकास में वस्त्र मंत्रालय की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। हमने लक्ष्य रखा है कि हम बुनकर को कम से कम 500 पर रोज की अर्निंग का वित्त बनाने का काम करेंगे। आज स्थिति यह है कि जो पिछले वर्ष हमने करीब 18,000 करोड़ से अधिक का कपास खरीदने का काम किया। सबसे ज्यादा स्किल ट्रेनिंग का काम हमारा मंत्रालय कर रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश।